गाइस, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। एक खुदाई कर रहा था एक शख्स अपने घर के पीछे, और वहां पर उसको मिला है सोने चांदी का एक घड़ा। और जब पुलिस को पता चला और गांव वालों को पता चला, तब इसके पीछे बहुत सारे लोग लग गए। और अभी सुनने में आ रहा है कि वो जो बरामद किया गया सोना है उसको भी पुलिस छुपा रही है। सोना ज्यादा है पर कम बता रही है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए तो जरूर जाइए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की न्यूज। हरदोई के सांडी कस्बे का ये मामला हमारे सामने आया है, जहां पर एक शख्स अपने घर को दोबारा से तोड़ के बनाना चाहता था। तो वो धीरे धीरे अपने घर का काम कर रहा था, तो रात को एक्चुअली क्या हुआ कि वो अपने घर के पीछे गया आंगन में, और उसने वहां पर खुदाई करनी शुरू की। शायद कुछ काम करने के लिए खुदाई कर रहा था और उस वक्त खुदाई में उसको एक पीतल का घड़ा मिला, और उस घड़े में चांदी और सोने के जेवरात थे। गाइस, आज एक्चुअली में अगर हम लोग सोना खरीदने के लिए बाहर जाते हैं, तब एक्चुअली वैसा भारी सोना नहीं मिल पाता जो पुराने सोने थे, तो अभी उतना ही मतलब कि उसमें क्वालिटी में काफी ज्यादा कम हो गया है, भार में काफी ज्यादा कम हो गया, पर पैसा बहुत ज्यादा हाई हो गया है। और उसी के साथ अगर ऐसा कोई सोने की चीजें मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। तो हम आपको बता रहे, जब उसको ये पूरा घड़ा मिला तब उसको भी बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुई थी। तो उसने एक्चुअली किसी को भी इसके बारे में बताया नहीं, पर गांव वालों को इसके बारे में पता चल गया था, और गांव में बहुत ही ज्यादा इसके बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई। और गांव के एक शख्स ने जाके पुलिस वालों को भी इसके बारे में बता दिया, और वहां की सांडी पुलिस वहां पर पूछताछ करने के लिए आए उस शख्स के घर पर। उस शख्स ने बोला कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ये सिर्फ अफवाहें हैं। उस शख्स का नाम है मन्नू, और हम आपको बता दें कि मन्नू अकेला ही रहता है और उसका परिवार उससे अलग रहता है, और उनका जो पुराना बिजनेस है, जैसे गन्ने का बिजनेस है, गन्ने से वो पतासे बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, उसी बिजनेस में है वो। पर ये शख्स अकेला रहता था, और उसी के चलते जब गांव वालों में चर्चा हुई तो पुलिस वालों ने जब पूछा मन्नू से, तब मन्नू ने इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद वहां के SP ने इसके ऊपर जांच करनी शुरू की, और जब उसने जांच की उसने एक टीम बनाई, और टीम बनाने के बाद वहां पर पूछताछ की गई, और अचानक से ही बुधवार को उसके घर पर रात को 2 बजे रेड मार दी गई। और जब रेड मारी तब वहां से सोना और चांदी और पीतल का जो वो घड़ा था वो बरामद हुआ, और मन्नू को भी हिरासत में ले लिया गया, और उसके बाद पुलिस स्टेशन लेके जाए गए। और वहां पर एक्चुअली जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जमीन में अगर कोई चीज मिलती है या कुछ भी ऐसी सब चीजें होती है, तो हमारे एक्चुअली ये सब सरकारी ये वैज्ञानिक भी होते जो उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करते, देखते हैं कि वो कब कितना ज्यादा पुराना है। तो पुलिस वालों ने उनको उस सोने और चांदी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, उनको वो सोना और चांदी दे दिया, और पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ वो सोना और चांदी के जो जेवरात मिले हैं सिर्फ 4 किलो बताए हैं। और इसके ऊपर गांव वालों का आरोप है कि पुलिस वाले इस सब चीजों को छुपा रहे हैं, क्योंकि वो सोना कम से कम 8 किलो से भी ज्यादा था, पर पुलिस वाले इस चीज को बहुत ज्यादा छुपा रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं। और वहां के गांव वालों का आरोप है इस चीज के बारे में कि इन लोगों ने सोना अंदर डाला है और किसी को भी दे नहीं रहे हैं। और रही मन्नू की बात, मन्नू और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, और मन्नू को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। पर मन्नू को जब रेड मारी थी तब वो गोल्ड के साथ ही वो पुलिस स्टेशन ले गए थे, सांडी पुलिस स्टेशन ले गए थे, और वहां पर जाके उसको उसके साथ बातचीत की गई। पर अभी मन्नू कहां है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बोलते हैं कि अगर सामने सब चीजें आ जाए और इतना ज्यादा सोना चांदी और पैसा आ जाए तो अच्छे इंसान की भी नीयत बिगड़ जाती है। और रही ये तो पुलिस की बात, पुलिस की जो छवि है हम सबके मन में कुछ गलत सी छवि है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पुलिस में जो एक्चुअली में सरकार की चीजों को भी बहुत ही अपनी पॉकेट में डालने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, हमें आगे की खबर की जानकारी मिलेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मन्नू कहां है इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको भी ऐसा सोना मिले तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जाते जाते अगर जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।